सिवान के रघुनाथपुर से राजद के लिए दावेदारी कर रहे राजेश यादव ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। राजेश यादव ने प्रेस वार्ता के माध्यम से मोहम्मद कैफ उर्फ बल्टी को निशाना साधते हुए कहा कि हम राजद के साथ काफी दूर से हैं, लेकिन कुछ लोग पार्टी का टिकट मांगते हैं और जदयू के टिकट पर भी चुनाव लड़ने की बातें करते हैं। कभी बड़हरिया कभी रघुनाथपुर से चुनाव लड़ने की बातें करते हैं, ये सरासर गलत है। हम पार्टी के लिए मर मिटने का काम भी करेंगे और पार्टी से टिकट की मांग करते हैं। आइए सुनते हैं राजद नेता राजेश यादव ने और क्या क्या कहा। पहले तो मैं आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम कर रहा हूँ और बहुत से लोग रघुनाथपुर विधानसभा बड़हरिया विधानसभा लोग कूद रहे हैं, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि हम राजद पार्टी में हैं और जदयू से भी टिकट मिलेगा तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप राजद में हैं और जदयू से टिकट लेकर आप चुनाव लड़िएगा, किस मकसद से आप ये बात बोल रहे हैं? या तो आप जदयू पार्टी में सम्मिलित हो जाइए, या तो राजद में हैं तो राजद में एकत्रित रहिए। ये आपको आपकी मानसिकता आपकी सोच खराब है। हम लोग राजद पार्टी में हैं, राजद के लिए मरने का भी काम करेंगे और जीने के लिए भी काम करेंगे। हम लोग राजद पार्टी के लिए जो समस्या आएगी उस पर हम लोग एक खड़ा है। क्या लगता है अगर पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती है रघुनाथपुर से, तो क्या आप दूसरे पार्टी में देती है तो उसका समर्थन करेंगे? पार्टी हमको टिकट देगी तो मैं चुनाव जोर शोर से लड़ूंगा। मुझको पार्टी टिकट नहीं देगी, जिसको भी टिकट देगी मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा।